पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे पैराग्राफ नंबर 4, द आर्टिस्ट का पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में क्या कहता है, कह रहा है सिबेल वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सिबेई जो था वो 12 वर्ष का था। याद रखेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सिबेई कितने वर्ष का था, तो सिबेई 12 वर्ष का था और अभी प्राइमरी स्कूल में था, यानी अभी वो प्राथमिक स्कूल में था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सिबेई जब 12 इयर्स का था तो किस में था, तो प्राइमरी स्कूल में था। जब वो प्राइमरी स्कूल में था तो कितने वर्ष का था, तो जवाब देना होगा कि वो 12 इयर्स का था। क्लियर है? तो कह रहा है कि सिबेई वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सिबेई 12 वर्ष का था और अभी प्राथमिक स्कूल में था। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के अलावा, मैंने खेलने के, 12 वर्ष का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है और वो खेलने का प्रयास करता है बच्चों के बीच, लेकिन इसमें वो गुण नहीं था। यहाँ लिख रहा है कि इंस्टीड ऑफ प्लेइंग, यानी खेलने के बजाय, विद अदर चिल्ड्रेन, यानी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय, ही यूजुअली वांडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। वह प्राय भटकते रहता था शहर में कोहरे के खोज में, यानी कोहरे के खोज में वो क्या करता था, भटकते रहता था। अब दूसरे बच्चे जो थे वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, लेकिन इसके साथ वैसा नहीं था, ये खेलता नहीं था, बल्कि कोहरा खोजने के लिए शहर में भटकते रहता था। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट। और उसके बाद क्या करता कि संध्या के समय वो क्रॉस लेग, यानी चुका मुका, जो हम लोग क्रॉस लेग बैठते हैं, चुका मुका बैठते हैं, वो उस तरह जैसे पूजा वगैरह में लोग बैठता है, तो चुका मुका क्रॉस लेग क्या करता, बैठ जाता। कहाँ बैठता, तो इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, रहने वाले रूम में, कोने में, और वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और काम करने लगता अपने नए प्राप्त किए हुए उस कोहरे पर, और जो शहर से कोहरा खरीद के लाया होता उस पर वो काम करने लगता। सर्वप्रथम उसमें के ऊपर छेद करता और छेद करने के बाद बीजों को निकालता और फिर उस पर चाय के पत्ती का लेप लगाता और फिर उसमें कुछ थोड़ा सा दारू भरता। When he had finished treating it, कह रहा है कि जब वह इस पर अपना काम समाप्त कर लेता, he poured in a little sick, उसमें वो क्या करता, थोड़ा सा दारू होता है जो चावल का बना हुआ दारू, उस दारू को उसमें डालता था, पोर करता था, यानी उसमें डालता था। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और एक कॉर्क स्टॉपर उसमें इंसर्ट कर देता था, लगा देता था। ये क्या होता है बाबू, जैसे सपोज मान लो कि ये बोतल है, ऐसे आप केमिस्ट्री में देखते होंगे कि जिसमें एसिड वगैरह रखा जाता है वो बोतल होता है, और इसमें एक
इस टाइप का बना हुआ होता है, ऐसे कर होता है, ये नहीं होता है उसमें, ऐसे ही रहता है, मैंने वो आराम से उसमें इन कर जाएगा, घुस जाएगा और टाइट कर दिया जाएगा ताकि थोड़ा भी अंदर का चीज बाहर ना आए। तो वही कर रहा है कि इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फिनिश्ड हिमसेल्फ, जिसे वो खुद बनाता था, माने कॉर्क वो कहीं मार्केट से नहीं खरीदता था, उस कॉर्क को वो खुद चाकू छुड़ी वगैरह से बनाता था, और उस चाक छुड़ी उस कॉर्क को जो ये कोहणा होता था और कोहणे के ऊपर जो छेद करता था, इसमें जो दारू भरता था इसमें वो इंसर्ट कर देता था, लगा देता था, ताकि जो अंदर में दारू भरा हुआ है वो बाहर ना आए। समझ गए? तो खुद उसको तैयार किया, रेप्ड इट इन टॉवेल, और उसको क्या करता था कि एक तौली जो होता है तौली, उसी में उस कोहड़े को ऐसे रख देता था और उसको लपेट देता था, और उस तौली में उस कोहड़े को लपेटता था। पुट दिस इन अ टिन स्पेशली केप्ट फॉर पर्पज, और वह उसे एक टिन में, जो टिन होता है डलडा वाला, जो बाबू देखते हैं टिन आता है ऐसे, और इस टिन को बनवा दिया जाता है इसमें यहाँ पर अथी लगाकर, उसी टिन में क्या करता था, क्योंकि उसी पर्पज के लिए, उसी उद्देश्य के लिए, पर्पज मतलब उद्देश्य, यानी उसी उद्देश्य के लिए बनाया ही था कि उसमें वो क्या करेगा, कोहरे को रखेगा, उसी में रख देता था। एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और अंत में क्या करता था कि जितना भी वहां पर चीज बचता था, जैसे कि कोहरे को यहाँ पर काटा छेद किया तो ये बच गया, फिर इसमें से जो सीड्स निकले उन सारे सीड्सों को क्या करता, सारे सीड्सों को उठाकर ले जाके जो बुरशी होता है, जो आग तापने के लिए हमारे यहाँ दादा दादी बहुत बूढ़े लोग ऐसे बनाता है और इसमें आग रहता है ऐसी पर तापता है, उसी बुरशी में ले जाके डाल देता था। देन ही वेंट टू बेड, और उसके बाद वो स्वयं सोने चला जाता था, और उसके बाद वो क्या करता था, सोने के लिए चला जाता था। तो ये था पैराग्राफ नंबर 6। क्या क्या समझे 6 में, तो सॉरी 4 में, 4 में बताया कि सीबीआई 12 बरस का लड़का था और अभी वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, और बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह ज्यादा समय कहाँ लगाता था, कोहरे को सर्च करने में, खोजने में लगाता था शहर में, और क्या करता था जे घर के कोने में बैठ जाता था चुका मुका, और वो न्यूली जो फ्रूट लाया रहता था उस पर अपना जो काम उसका है वो करता था, और बाद में जब उसका पूरा काम खत्म हो जाता था तो उसमें थोड़ा सा दारू भर देता था और फिर उसे तौली में लपेट कर एक टीन में रख देता था, जो टीन उसी उद्देश्य के लिए वो बनाया था, और फिर जो सामान वहां जो बच जाते थे उस कोहने से, उस सारे को ले जाकर क्या करता था, उर्सी में डाल देता था और फिर सोने चला जाता था। ये इसका काम था। तो आपने देखा पैराग्राफ 4 में हमने आपको क्या बताया। पैराग्राफ नंबर 5 कह रहा है, एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, ज्यों ही, एज सुन यू, यानी ज्यों ही दूसरे सुबह वह जगता उठता, यानी ज्यों ही वह दूसरे सुबह उठता, तो सोने चला जाता तो सुबह उठेगा ही, तो दूसरे सुबह ज्यों ही उठता ही वुड ओपन द टीन, वो सर्वप्रथम जाकर ये जो टीन बनाया हुआ था इस टीन को खोलता था, इस टीन को खोलता था, एंड एग्जामिन द गड, और कोहरे का परीक्षण करता था, और कोहरे का क्या करता था, परीक्षण करता था। द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवर नाइट ट्रीटमेंट, रात भर उस पर काम होने के वजह से जो उसके स्किन थे, चमड़ा था, किसका चमड़ा,
कोहरे का चमड़ा वो डैम्प कर जाता था, ठीक है, सिकुड़ जाता था, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, डैम्प कर जाता था। सीबीआई वुड गेज एडोरिंगली एट दिस ट्रेजर। सीबीआई अपने खजाने पर क्या करता कि पूरे अपने खजाने को एकदम मन लगाकर उसी पर अपना ध्यान लगाता और उस अपने जो उसका खजाना है यानी उस फ्रूट को वो अपना खजाना समझता है और उसी खजाने पर वह अपना क्या करता ध्यान लगाता। यानी ध्यान लगाना यानी उसी पर अपना क्या करता हो पूरा अपना ध्यान लगाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल, यानी देखो उस कोहरे के बीच एक रस्सी बांधने से एक धागा बांधने से पहले उस पर टकटकी लगा के देखता था। गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखता था, ठीक है। एंड हैंग इट इन द सन ड्राई टू ड्राई, और उसे धूप में डाल देता था सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और वो उसके बाद निकल जाता था स्कूल के लिए, और सुबह सुबह वो कहाँ चल देता था अपने स्कूल के लिए। तो ये था पैराग्राफ नंबर 5। चलिए पैराग्राफ नंबर 6 को देखते हैं। सीबीआई लिव्ड इन हार्बर टाउन। बाबू हार्बर टाउन का मतलब होता है बंदरगाह वाला शहर। अब बंदरगाह क्या होता है, तो बंदरगाह होता है जहां पर बहुत बड़े बड़े पानी के जहाज आकर रुकते हैं, अपने सामान को एक्सचेंज करते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं, उतारते हैं, उस स्थान को हम लोग कहते हैं बंदरगाह। तो ये जैसे कोलकाता में खिदिरपुर है, बंदरगाह है। तो ये जो शहर था वह एक बंदरगाह वाला शहर था। अल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि यह सरकारी तौर पर एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। लेकिन कह रहा है कि हालांकि वह सरकारी तौर पर एक शहर था, लेकिन यदि कोई चाहे कि उस शहर को एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए, तो मात्र 20 मिनट में वो क्या करता वहां पहुंच सकता था, मैंने पहुंच सकता है, इतना छोटा शहर था। बताना चाह रहा है कि जो शहर था वो बहुत बड़ा शहर नहीं था। सीबीआई वॉज ऑलवेज वांडरिंग अबाउट द स्ट्रीट। सीबीआई हमेशा भटकते रहता था गलियों में, कहां गलियों में। एंड Had soon come to know every place, और उसे वह हरेक स्थान जान चुका था। That sold God, जहां कोहड़े बेचे जाते हैं। यानी वो भटकते रहता था बिना मतलब का, और उस सारा शहर के जितने गली हैं, और उस गली में जहां जहां कोहड़े बेचे जाते हैं उस सारे स्थान को वो जान गया था। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट,
और शहर में जितने भी कोहड़े थे करीब करीब उन सभी कोहड़ों को वो पहचानता भी था, यानी सारे कोहड़े को वो जान चुका था, पहचान चुका था। तो ये था पैराग्राफ नंबर आपका 6। चलिए पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 तक पढ़ाना है मुझे, तो देखते हैं आज। He did not care much about old, naked, peculiarly formed god, usually favored by collectors। देखो, जो समूह करता होते हैं, जो मैंने दूसरे पर्पज के लिए कोहड़े को इकट्ठा करते हैं, तो उनके तरह ये नहीं था। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था कैसे विचित्र ढंग से बने हुए या ऐठे हुए, ऐठाया हुआ जो कोहड़ा होगा उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जैसे कि दूसरे जो कलेक्टर है इकट्ठा करने वाले हैं वो ध्यान देते थे, उनको कुछ भी चलेगा, लेकिन वो ऐसे चीजों को नहीं लेता था। द टाइप दैट अपील टू शिवेई वाज इवन एंड सिमेट्रिकल। शिवेई को एक सुगंधित और अच्छे आकार का कोहड़ा चाहिए था। शिवेई कैसे कोहड़े पर ध्यान देता था? सुगंधित हो, अच्छे आकार का हो। क्लियर? पैराग्राफ नंबर 8। दैट यंगस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सैड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सैड बाई क्या कहेगा? कहेगा दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सैड बाई। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो कहेंगे द फ्रेंड ऑफ हिज फादर, उसके पिता के मित्र के द्वारा। यानी उसके पिता के मित्र ने कहा कि यह जो आपका छोटा लड़का है, छोटा है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सामान्य दिखने वाले कोहड़े को ही पसंद करता है। उसके पिता के दोस्त ने कहा, हु हैड कम टू कॉल, जो उनसे मिलने आया था। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उसने उस बच्चे के तरफ अर्थात शिवेई के तरफ इशारा करते हुए कहा, हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गॉड, जो कोने में बैठा व्यस्त था अपने प्लेन और राउंड गोला कोहड़े को पॉलिश करने में। उसके तरफ इशारा करते हुए कहा। 9 नंबर, फैंसी अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अ गॉड लाइक दैट विद गॉड। सैड शिवेई, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए कि आपसे पूछेगा कि फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स, सैड बाई। तो कहेंगे हिज फादर सैड। क्या कहता है? कि कहते उसके पिता कहते हैं कि यह लड़का अपना समय कोहड़ों के साथ खेलकर व्यतीत करता है, है ना। शिवेज डिसगस्टेड लुक, और आंख चौड़ा करके यानी क्रोधित होकर उसके तरफ देखे। पैराग्राफ नंबर, सी हेयर शिवेई माई लेड, सैड द फ्रेंड। उस मित्र ने कहा, उसका मित्र थोड़े है, उसके पिता का मित्र ने कहा कि मेरे बच्चे शिवेई यहां देखो, देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग, ऐसे चीजों को इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट अ क्वांटिटी दैट काउंट, यानी इसकी मात्रा या क्वांटिटी काउंट करने की जरूरत नहीं है। यू नो, तुम जानते हो, व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड, यानी इससे तुम क्या बनाना चाहते हो, वन और टू रियली अनयूजुअल वन, यह एक या दो ही इसके लिए काफी होंगे, इतना यानी इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। I prefer this kind, said शिवेई and let the matter drop। शिवेई ने कहा कि मैं ऐसे चीजों को ही पसंद करता हूं और बात को वहीं दबा दिया। शिवेई's father and his friend started talking about God। शिवेई के पिता और उसके मित्र
सीबीआई के पिता और सीबीआई के पिता के मित्र कोहरे के बारे में बातें करना शुरू कर दिए। रिमेंबर दैट वैक्यूम गॉड दे हैड एट एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग सैड सीबीआई फादर, ये लाइन भी पूछ सकता है, कह रहा है याद है तुम्हें जो एग्रीकल्चर जो शो होता है दिखा मैंने जहां दिखाया जाता है प्रदर्शनी होता है वहां आया था एक वैक्यूम गॉड, याद है तुम्हें, इट वॉज अ रियल ब्यूटी वाजंट इट, कह रहा है कि वाकई में वो सुंदर था ना। यस आई रिमेंबर डैट बिग लॉन्ग वन, उसके मित्र ने कहा कि हाँ हाँ मुझे याद है वो लंबा बड़ा वाला। एज सीबीआई लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जब सीबीआई ने उनके वार्तालाप को सुना, ही वॉज लाफिंग इन वार्डली, वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। द वैक्यूम गॉड हैड मेड क्वाइट अ स्टीर एट द टाइम, कह रहा है कि वो जो वैक्यूम गॉड था कोहरा था उसके मन में तो एक समय एकदम सुगबुगाहट पैदा कर दिया था कि कब देखे, बट वेन ही हैड गॉन टू सीट, लेकिन जब वह उसने उसको देखने गया, He had found it rather a stupid looking object. तो उसने पाया कि यह एक बेढंगी चीज थी, and had walked out to the show. और वह वहां से उसे भागना पड़ा, यानी उस शो को छोड़कर जाना पड़ा। जो चीज इन लोग को बहुत सुंदर लग रहा था सीबीआई को बेढंगी लग रही थी, इसीलिए सीबीआई मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मन हंस रहा था। 16 नंबर पैराग्राफ, आई डिडंट थिंक सो मच इट, इंटरप्टेड सीबीआई। सीबीआई हस्तक्षेप करते हुए बोला कि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ वैसा था, इट जस्ट अ क्लमजी ग्रेट थिंग, वह एक बेढंगी बेकार की चीज थी। हिज फादर ओपेंड हिज आईज वाइड एंड सरप्राइज्ड एंड एंगर, उसके पिता ने उसके तरफ चौड़ी आंखें की और आश्चर्य से उसके तरफ देखा। पैराग्राफ नंबर 18, व्हाट्स दैट ही शाउटेड, क्या कहा उन्होंने चिल्लाया। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जब तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, यू हैड बेटर शट अप, तो तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम चुप हो जाओ। सीबीआई डिड नॉट से अनदर वर्ड, सीबीआई कोई भी शब्द नहीं कह सका। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर 18, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।